अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है यासीन रियाज और आप देख रहे हैं पीके पोलैंड। आज यहाँ पे बाहर मौसम अच्छा था, मैंने सोचा चलो वॉकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। धूप निकली है आज, काफ़ी बेहतरीन अच्छा मौसम है। आप देखें हर तरफ अभी सारे लोग काम पे हैं। जैसे ही 3-4 बजेंगे हर बंदा जो है ना वॉकिंग करने आ जाएगा, घर से बाहर निकलेंगे। वैसे आज मौसम बहुत बेहतर हुआ है, सर्दी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। ये देखें दूसरी तरफ ये घर है, दिंदों की आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ। ये देखें ये रोड खाली पड़े हैं, बंदा नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, और मैं पैदल चल रहा हूँ। घर बैठे थे, सोचा चलो थोड़ा सा बाइक का रोड लगाए और आपको भी सैर कराएं, बाहर की दिखाएं। मास्क इसलिए पहने कि यहाँ पे भी अलाउ नहीं है विदाउट मास्क। कपड़े उतारे हैं लोगों ने, ये देखे छांव आ गई है। यहाँ पे एक ये चीज है, रश नहीं है लोगों का, आपको बंदा नहीं भी नजर आएगा। आज मौसम बेहतर है इसलिए चलो लोग चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है, अभी लोग काम पे हैं, सारे लोग कामों पे गए हैं। जैसे ही 3-4 बजेंगे छुट्टी होगी, वैसे ही वो सारे जो है ना चलने के लिए आ जाएंगे। ये देखें बेहतरीन नज़ारा, कुत्ता मुझे देख के भौंका है, उसमें पता नहीं क्या आ गया। ये देखें ये यहाँ का रोड है, घर हैं सारे, लोग घरों में आराम कर रहे हैं। आज धूप निकली है, कल भी काफ़ी अच्छा मौसम था और आज भी, इसलिए लोग घरों में हैं। ये यहाँ का चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है, पहले भी मैंने आपको इस एक वीडियो में दिखाया है ये चर्च। ये देखो शुक्र है यहाँ पे भी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, नहीं तो सर्दी 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 जाती नहीं थी यहाँ से। आज काफ़ी बेहतर है मौसम। ये देखें ये यहाँ पे चर्च है, सारा चर्च का हिस्सा है। बच्चों
ये आवाज़ें आ रही, शायद बच्चे खेल रहे हैं। हाँ वो देखें, दूर बच्चे खेल रहे हैं। घरों के बाहर का सीन है, ये देखें यहाँ पे घर। सारा बाहर का सीन है और इधर से ही हम वापिस चलते हैं। आज आपको गार्डन लेके जाएंगे अपने और वहां पे गार्डन की सैर कराएंगे। घास काफी बड़ा हुआ है वहां पे, घास काटूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे मशीन के साथ घास काटते हैं। ये देखें कितना प्यारा सीन लग रहा है। ये फिर वही चर्चा आ गया, और ये रोड है जहाँ पर मैं पैदल चल रहा हूँ। ये देखें हर तरफ सामने एक औरत आ रही है। थोड़ा सा रास्ता ऊपर था इसलिए थोड़ा सांस चढ़ गया। ये देखें सामने दरख्त चेक कर, ये ऐसा यहाँ पे सीन है। देखें कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। वो
और गर्मी भी हुई है। लोग अपने घरों के नीचे गैराज जिनके हैं वो गाड़ियाँ थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहे हैं उसको, कोई घास काट रहा है अपने घर के बाहर। ये देखें देखें, घरों में फूल लगे हैं, लोग धूप में बैठे हैं। और ये आपको हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, ये देखें नजर आ रहा होगा आपको, वो देखे जा रहा है। ये सारा सीन है। ये डीए चल रहा है, सामान आया कुछ ऐसे, यहाँ पे देखें सामान आता है। DHL पोस्ट की गाड़ी है, जब धूप निकलती है और ये लोग जो है ना इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती, और अगर मौसम बेहतर ठंड गर्म होता इनके लिए वो दिन बड़ा ही खूबसूरत होता है, जब यहाँ पे धूप निकले तो फिर हर बंदा धूप में चलता है पैदल, कोई लेट जाते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा निकलती नहीं है ना। इस वजह से धूप निकलती है, खुशी की इंतहा होती है इन सब के लिए। अब देखें ये फूल चेक करें, आपको फूल दिखाता हूँ मैं, ये देखें कितने प्यारे फूल हैं, देखें ये है जी कचरा फेंकने वाली जगह, ठीक है, हर चीज लादा था, पेपर की जगह लादा है। चश जिंदा ब्रे, चश ये कूड़ा फेंकने की जगह सारी, यहाँ पे पेपर लादा रखना है, गंद लादा रखना है। शीशा कांच है वो लादा रखना है। ये इस तरफ आ जाए, ये लोगों के गैराज है गाड़ियां खड़ी करने के लिए। किसी की साइकिलें निकाल रहे हैं लोग साइकिलिंग के लिए। ये हमारे घरों के बिल्कुल सामने गैराज बने हैं,
यहाँ पर गाड़ियाँ, साइकिलें, ये चीज़ें जो है ना खड़ी करते हैं लोग, ये सारे नंबर लगे हैं, किसका कितना नंबर है ये देख सकते हैं आप। ये देखें साइकिल, साइकिलों पर लोग जा रहे हैं। और ये यहाँ पे घर के सामने हमारे मेन रोड बन रहा है, और ये सारी खुली जगह घास की, और वो सामने छोटे स्कूल के बच्चे हैं। ये देखें ये रोड बन रहा है, एक दो वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि ये मेन रोड बन रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे। देखें वो स्कूल के बच्चे हैं सामने, स्कूल से आए थे घूमने के लिए यहाँ पे, साथ दो टीचरें हैं बच्चों की केयर के लिए। और ये यहाँ पे देखें दरख्त लगे हैं सारे, चेक करें। बड़ा प्यारा मौसम हुआ है, सर्दी नहीं है और मौसम साफ हुआ है। ये देखें आप, बादल नहीं है, क्लियर हुआ है। ये देखें, अब मैं वो वहां पे नीचे तो नहीं जाऊंगा, ठीक है ये चलो थोड़ा सा चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपके लिए। ये देखें कितना प्यारा सीन लग रहा है, ये सामने मेन रोड है, काम हो रहा है। हमारे घर के बाहर भी एक रोड है लेकिन वो छोटी गाड़ियों के लिए है, ये जो मेन रोड बन रहा है ये बड़ी गाड़ियों के लिए बन रहा है, कि बड़ी जो बस ट्रक है वो इधर से जाएंगे, क्योंकि जो छोटा रोड है वहाँ पे जो है छोटी ट्रैफिक चलती पहले भी छोटी है, लेकिन उसकी वजह ये है कि वो मेन ट्रैफिक है, वहाँ पे घर है इसलिए उन्होंने ये रोड बनाना है बड़ा मेन ट्रैफिक, क्योंकि ये घर जो बने हैं ये नए बने हैं, ये आप जो घर देख रहे हैं ये न्यू घर बने हैं, तो इनकी वजह से वो रोड ये भी कुछ बन रहा है, कुछ वैसे भी मेन ट्रैफिक है, ठीक है बड़ी ट्रैफिक के लिए वो बना रहे हैं इस वजह से जी। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने नीचे तो नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है दरख्त है ज़्यादा, चलो मैंने सोचा कि भाइयों को दिखाने के लिए चलते हैं। अभी थोड़ा सा सूरज है इस तरफ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सही नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, साथ साथ वॉकिंग करते हैं। घर में अकेला था, मैंने सोचा चलो यार बैठे हैं, छुट्टी है आज, थोड़ा सा बाहर निकलें, ठीक है
सबको दिखाएं, बाहर का नज़ारा कराएं। धूप निकली है आज, मौसम काफ़ी अच्छा है। ये मैं आ गया दरख्तों में, समझ लें कि जंगल टाइप कह लें आप, जंगल तो नहीं है लेकिन हमारे लिए, हम लोगों के लिए जंगल है, इन लोगों के लिए जंगल नहीं है। ये देखें अब जिधर जिधर चलूंगा आपको सारे दरख्त ही नजर आएंगे मेरे पीछे आगे। ये देखें दरख्त ही दरख्त है। हाथ थक जाता है, दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ता है। छांव आई है, थोड़ा सा सुकून आया। ये देखिए गाइस, चेक करें सारा। असल में लोगों के साथ मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता, जाहिर है मुझे अभी तक यहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो इतनी सही आई नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं किसी के साथ कोई बात क्या करूँ। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आएगी, जाहिर है इंग्लिश ये बोलते नहीं है, ठीक है, और इनकी मुझे अभी आती नहीं है सही तरह। थोड़ी सी बात कर लूँगा, कोई पूछे, कोई ज़्यादा बात करेगा तो फिर मैं भूल जाऊँगा मैंने क्या कहना है। तो उसकी वजह से लोगों के साथ भी वीडियो बनाएंगे, लोगों से रास्ते में जाते हुए पूछेंगे हालचाल, वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए फ़िलहाल मैं जो है ना अकेला ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला है। इसलिए ये आप देखें, और हम अब चलते हैं वापस, ठीक है। आज काफ़ी हो गया और हाथ भी थक गया है, वापस चलते हैं। ये देखें सारे दरख्त ही दरख्त है हर तरफ। मास्क अभी नहीं लगाया, जैसे ही रोड पे जाऊंगा मास्क मस्ट पहनूंगा, मास्क ना पहना तो जुर्माना हो जाएगा। ये तो नहीं पता कितना होगा लेकिन काफी भारी जुर्माना होगा, फाइन ठुक जाएगा। उससे अच्छा है कि मास्क पहने। ये एक छोटा सा पुल सा बना लकड़ी का, ये देखें इससे गुजर के आए, चेक करें, ये पुल है लकड़ी का छोटा सा बनाया उन्होंने। ये सारा सीन है, ये देखिए थोड़ी सी घाटी बनी है ऊपर को। यहाँ पे सारा एरिया हमारे तरह नहीं है कि सारा एरिया फ्लैट हो, ये जो सारा एरिया ऊपर नीचे है ऐसे, तो इसलिए पैदल जो बंदा चलते हैं ना सांस चढ़ जाता है, क्योंकि सारी एरिया कुछ ऐसे है, नीचे है, ऊपर है, ऊपर नीचे ऐसे करके है सारा एरिया। जो कोई भी पैदल चलता है फिर सांस चढ़ जाता है, ऊपर नीचे ना सारा एरिया। आपको सारा दिखाया घूम फिर रखे, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ क्योंकि जाहिर है मैं रोड पे चलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, सारे लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसकी वजह से सही तरह वीडियो नहीं बना पाता। इस जगह पे आया हूँ, इस जगह पे मैं खेला हूँ, दूर दूर तक मैं हूँ, और मेरा किम्बल है, ट्राईपोर्ट है, ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूँ। मास्क भी आपने देख रहे होंगे कि मास्क भी मैंने उतार के जेब में डाल लिया, क्योंकि यहाँ पे तो चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे ही रोड पे निकलूंगा, रोड पे जाने के लिए फिर मास्क पहनना पड़ता है, ठीक है, जाहिर है वहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो खैर मास्क अभी नहीं भी पहने तो कोई बात नहीं है। तो ये था जो आपको सारा विजिट कराया, ठीक है गाइज। आप वीडियो देख के लाइक किया करें और चैनल मेरे को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है, काम पे भी जाता हूँ, काम से फ्री होके आके फिर वीडियो भी बनाता हूँ, फिर आपको शेयर भी करता हूँ, सारी दिखाता भी हूँ, ठीक है। और आप काइंडली अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर करें, ठीक है, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पोलैंड की काफ़ी सैर कराता रहूँगा जहाँ तक होगा, जाहिर है मैंने काम पर भी जाना होता है, काम से फ्री होकर फिर मैंने वीडियो बनानी होती है। आज मैं काम से फ्री था और मैंने सोचा चलो
अपने दोस्तों को दिखाएं, सैर कराएं बाहर की, ठीक है, और आपको दिखाई है। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।